चलो देखते हैं आखिर इस चिराग के अंदर क्या है। अरे जीनी महाराज, बाहर निकलने का समय हो गया, अब तो बाहर आ ही जाओ तुम। इतने दिनों बाद, इतनी समस्याओं को झेलने के बाद आखिरकार मैं आजाद हो गया। मैं कितना खुश हूँ, कितना यार, बहुत दिनों के बाद मैं बाहर आया हूँ। अरे वाह, तुम मिल गए हमरे जीनी प्यारे। अब तुम हमको ये बताओ कि हम यहाँ से जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है उस जादूगर से। हाँ हाँ चीनी भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो वो जादूगर आ गया तो फिर हमारा उस त्यागो का क्या होगा। अरे मेरे आका, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम चीनी हैं, हमारा नाम चीनी है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब वो जादूगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम अब उसके जादू से आजाद हो चुके हैं। अब बोले, मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ। अरे लेकिन हमें तो ये ही नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो भैया। देखो सुंदर छोटू तोते, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुम सोच रहे हो और जो तुम सोच भी नहीं सकते। देखो सबसे पहले तो हम तुमको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा नाम यागो है। यागो कोई सुंदर, कोई चमकीला, कोई छोटू तोता नहीं, हमारा नाम यागो है। यागो ठीक है। यागो जी, ये बताइए कि हम तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा हो जाए कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुम करवाना चाहते हो। तुम ही बता दो ना कि तुम ऐसा कर क्या सकते हो हमारे लिए। अरे तुम बिल्कुल फिकर मत करो, तुम बोलो तो हम तुमको गधा अभी बना देते हैं। ये लो। अरे ततूर, हमको ये क्या बना दिया, हम गधे के धोखे में घोड़ा बन गए हैं। अरे हमको जल्दी ठीक करो भैया। अरे अरे सॉरी, क्या है कि कभी कभी हमसे गलत जादू हो जाता है। क्या है कि कई सदियों से हम इस चिराग के अंदर बंद थे ना, कोई जादू नहीं किया, इसलिए हमसे गलती हो गई। लो एक मिनट में तुमको गधा बना देते हैं। जादू करना, तुम बिल्कुल फिकर मत करो, हम अभी तुमको गधा बना देते हैं। अरे तुम हमको गधा मत बनाओ, हम सुअर नहीं, हम तोते ही बनना चाहते हैं। तुम एक काम करो, हमको तोता ही बना दो भैया, हमको तुम्हारा जादू का परीक्षण नहीं करना है। अरे बिल्कुल सॉरी यागो जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, हम आपको फिर से वही प्यारा सुंदर लाल तोता बना देते हैं। तो ये लो। हम अपने रूप में बहुत खुश हैं। थैंक यू जीनी, अब तुम चाहे कुछ हो जाए हमारे ऊपर परीक्षा बिल्कुल मत करना। अब तुम एक काम करो, वो जादूगर आ ना जाए इससे पहले ही तुम हमें उड़ा कर यहाँ से ले चलो। हाँ हाँ जल्दी करो, कहीं वो जादूगर आ ना जाए इससे पहले ही तुम हमें उड़ा कर वहाँ ले चलो। अरे अरे आप फिकर मत कीजिए मेरे आका, हम आपको अपनी विशेष वायु सेवा, जीनी वायु सेवा में यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम बिल्कुल फिकर मत करो, हम सब देखते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम लेकर चलेंगे। आइए तो ये लीजिए।
चलिए तो फिर चलते हैं अपनी ये लोग। चलिए तो फिर चलते हैं अपनी ये लोग। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है, मुझे तो मजा ही आ गया उड़कर। वाह, कितना मजा आ रहा है उड़ने में। अरे भाई चूहे, तुम्हारी आवाज ऐसी कैसे बदल गई? हमें तो समझ नहीं आ रहा तुमने क्या विक्स की गोली खा ली। यहाँ पर इतनी परेशानी झेल झेल के हमारी आवाज ही ऐसी हो गई है भैया। ले आए यहाँ पर और सुनाइए मेरे आका, क्या करवाना चाहते हैं आप हमसे? भैया जीनी, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे दोस्त बनकर हमारी सभी समस्याओं का निवारण करो। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ ही रहूँगा। अच्छा एक बात तो बताओ भैया जीनी, इतने दिनों के बाद यहाँ से निकले हो? देखो भैया तोते, हम क्या है कि आज से 150 साल पहले हमारी लड़ाई उस जादूगर से हुई थी और हमने उस जादूगर को बहुत सारी शक्तियों से पीछे किया, लेकिन ना जाने उसे हमारा चिराग का पता कैसे लग गया। उसने हमारे चिराग को रगड़कर हमें इस चिराग के अंदर बंद कर दिया और तब से हम इसी चिराग के अंदर बंद थे। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या वो जादूगर फिर से यहाँ नहीं आ जाएगा? अरे अगर आ भी जाता है, उससे बड़ी शक्तियाँ हमारे पास है, तुम बिल्कुल फिकर मत करो, हम सब देख लेंगे, वो जादूगर अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे बाकी सब छोड़ो, एक काम करो, हमें भूख बहुत लग रही है, कुछ खाने को दे देते, कुछ मनोरंजन की चीज हो जाती तो बहुत मजा आ जाता। हाँ भाई जीनी जी, मुझे बहुत भूख लगी है और हमारे इन सभी दोस्तों को बहुत 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 भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ खाने और मनोरंजन का सामान ले आते तो बहुत अच्छा होता। अरे नहीं फिकर मत करो मेरे आका, मैं तो सब कुछ ले आऊंगा, जहाँ आप बोलो जैसे आप बोलो मैं सब चीज करने के लिए तैयार हूँ। ये लो